Hello everyone, today we are going to launch one of the most comprehensive course of Indian polity in the history of YouTube. And when I am saying that one of the most comprehensive course in the history of YouTube, I am mindful of the fact that it may sound outlandish. But through the content quality and in-depth knowledge, visualization, animation that we have put up on the slide, I'll prove that it is not going to be an outlandish claim. So let us enter into slide and see what are the features of this act, right? So looking at the professionalism, you need not to believe that this is going to be any kind of chargeable, right? So the first declaration of the feature of this course is that I derive no commercial motivation. You are not going to be charged. I have no such expectation, right? Apart from this feature, right, the first feature that I would say is that visualization on graphics ka istamal jitna jyada se jyada aur animation ka istamal jitna jyada se jyada aapke better retention ke liye kiya ja sakta tha. Pehle jab content create hua tha, that was completely in textual format, but on later stages through refinement bahut sare pictures, bahut sare visualization, and when I am saying bahut sare visualization and bahut sare pictorial cheezon ka istamal hua, let us get into the snapshot of the content to see ki iska matlab kya hai, right? So ye 7073 ka रिपोर्ट एक्ट का रेगुलेटिंग एक्ट के रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को बताने के लिए जस्ट अ मोमेंट. सो 7073 के रेगुलेटिंग एक्ट के रिपोर्टिंग फीचर को बताने के लिए इस तरह का एनिमेशन, यहां एनिमेशन तो आपको नहीं दिख पाएगा, राइट, बिकॉज ये स्नैपशॉट्स है, बट रियल जब कंटेंट आएगा तो आपको एनिमेशन भी दिख जाएगा. तो आई कैन गारंटी यू, एक तो आप टेक्सचुअल फॉर्मेट में कंप्लीटली पढ़ते हो कि हाँ पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये तीनों रिपोर्ट करते थे, बाद में उसकी जगह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेड बना दिया गया इन दोनों का, ठीक है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ओनली विल रिपोर्ट टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एंड देन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वॉज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. सो इस तरह से जब आप पढ़ते हो तो आपका रिटेंशन जो है वो बहुत इंप्रूव होता है, राइट. पहले अगर आपको 10 दिन में या 15 दिन में रिविजिट करना पड़ता था अपने नोट्स को, आई कैन गारंटी यू अगर इस तरीके से विजुअल फॉर्मेट में आप पढ़ते हो, राइट, तो आपको 30 दिन मींस एटलीस्ट 2 गुना आप टाइम कर सकते हो. पहले अगर 15 दिन तो अब 30 दिन में आपको रिविजिट करना पड़ेगा, राइट. ये लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का है कि कितने मेंबर्स कब किस स्टेज पे हुए और कैसे किस तरह से जो डिसीजन मेकिंग था वो लिया जाता था 7073 में और 7081 में. अगेन ये वाला जो इमेज है आपका, राइट, ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है कि कैसे कैसे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कौन कौन से प्रोविंसेस थे, ठीक है. यहाँ आपके ज्योग्राफिकल जो विजुअलाइजेशन है, राइट, जब मैं सिंध बोलता हूँ, राइट, तो सिंध कहाँ है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, तो ये सब लक्ष्मीकांत में आपको विजुअलाइजेशन नहीं करवाया जाएगा. तो यहाँ आई हैव ट्राइड कि भाई आपको बेटर विजुअलाइजेशन हो जाए ताकि जैसे ही सिंध की बात की जाए या नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस की बात की जाए, राइट, आपके माइंड में एकदम से सडनली ये चीजें आए, राइट. जब 1909 का काउंसिल्स एक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो हमने काउंसिल जो कंपोजिशन है हाउस का, राइट, वो बहुत बेटर तरीके, फिर इलेक्शन कैसे होगा, उसमें इलेक्टोरेट कैसे चुने जाते थे, ये प्लेन फॉर्मेट में लक्ष्मीकांत में है, राइट, यू ऑलरेडी नो दैट, राइट. तो इस तरह के कंटेंट की मैं बात कर रहा हूं. कुछ और चीजें देखते हैं, राइट, कंटेंट में, राइट, ये सेक्युलरिज्म का जो डिक्शनरी है उसके लिबर्टी का जब डिस्कशन, सो आई कुड हैव लेफ्ट इट कंप्लीटली इन द टेक्सचुअल फॉर्मेट दैट यू कैन सी इन द बैकग्राउंड, बट देन वी डिसाइडेड कि नहीं, इसको भी ग्राफिक फॉर्मेट में जाने दो, राइट. देयर आफ्टर ये वाला जो इमेज है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का कैसे इवोल्यूशन हुआ है, राइट, यूनियन एंड टेरिटरीज वाला जो चैप्टर 5 है लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 में, राइट, तो यहाँ भी इमेजेस का इस्तेमाल हुआ है. मीन्स फिर ये सेक्युलरिज्म का जब एक्सप्लेनेशन, राइट, अगेन प्रीएम्बल में जब डिक्शनरी डिस्कस करते हैं कि सेक्युलरिज्म क्या है, सोशलिस्ट क्या है, तो सेक्युलरिज्म कंप्लीटली ये बता के छोड़ा जा सकता था कि सेक्युलरिज्म में हमने किस तरह से वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को कॉपी नहीं किया, विच वॉज टॉकिंग अबाउट कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, हमारा जो सेक्युलरिज्म, बट यहाँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, द काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म दैट वी आर प्रैक्टिसिंग इन करंट एनवायरमेंट, राइट, फिरोज खान जो कि BHU से अभी निकाले गए हैं, ठीक है, वो सेक्युलरिज्म के फीचर से कैसे कनेक्टेड है इंडिया के, कि इनके फादर को फिर पद्मश्री दिया गया है, राइट, तो वो कैसे कनेक्टेड है, इस तरह के जब एक्ट्स होते हैं अभी करंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जिस तरह का बन रहा है, तो वो कैसे इंडियन
इंडिया के सेक्युलरिज्म को इम्पैक्ट करता है, राइट। ये अगेन यूनियन टेरिटरी का एक स्नैपशॉट है, ठीक है। फिर सेलियंट फीचर डिस्कस करते वक्त यूएस जो जुडिशरी है वो किस तरह से इंडिपेंडेंस है, तो हम लोग लिमिट कर सकते थे अपने आप को कि सिर्फ आपको इंडिपेंडेंस जब बता रहे हैं जुडिशरी का तो सिर्फ इंडियन जुडिशरी, बट देन वी डिसाइडेड कि कंपेरिजन किया जाए इंडियन जुडिशरी का के इंडिपेंडेंस का एंड यूएस में कैसे जुडिशरी का इंडिपेंडेंस इंश्योर होता है। तो यहाँ यूएस के जुडिशरी का इंडिपेंडेंस एंड हियर यू कैन सी कि इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से कैसे अपने जुडिशरी को इंडिपेंडेंस। सो दिस इज द कंटेंट क्वालिटी एंड कंटेंट डेप्थ दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, राइट। जब मैं लेक्चर्स मैं अपने प्रिपरेशन मैं भी कोई फैकल्टी नहीं हूँ, राइट। मैं इट्स जस्ट दैट आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स, सो एक लेवल ऑफ नॉलेज हो गई है, ठीक है, और टाइम है तो आई एम प्रिपेयरिंग दिस, राइट। सो वाइल प्रिपेयरिंग जब मैं इस लेवल का मैंने भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने भी ज्वाइन नहीं किया कभी भी, राइट। सो आई हैव बीन लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ कंटेंट, बट ऑलमोस्ट जो भी एजुकेटर्स जो फ्रीली पढ़ा रहे हैं, राइट, तो उनके पास कई बार टाइम नहीं होता बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट, वो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं चीज़ों को, या फिर जिनके कमर्शियल मोटिव होते हैं तो 30% 40% नॉलेज आपको देते हैं एंड लेटर ऑन दे एक्सपेक्ट कि भाई आपको अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बुलाएं या फिर अपने सब्सक्रिप्शन के लिए, तो वो मैं नहीं चाहता था एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि भाई जो भी कंटेंट आपको इंडियन पॉलिटी के लिए मिल रहा है वो इन डेप्थ मिले एंड डिटेल्ड मिले, राइट। कोर्सेज यहाँ लंबे हो सकते हैं, जो भी चैप्टर्स जब मैं डिस्कस करूँगा तो यू माइट फाइंड कि ये सेम चैप्टर जो है वो 30 मिनट का अवेलेबल है, राइट। तो वाई शुड आई वॉच दैट आवर्स लेक्चर फॉर दैट 1 आवर, राइट। तो उसका रीज़न यही है कि हमने डिटेल में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है, राइट। कंटेंट को रोका नहीं है, कंटेंट को होल्ड नहीं किया है, इन्फॉर्मेशन को विदहेल्ड नहीं किया है, राइट। दैट्स व्हाई इट्स मे साउंड कि भाई लेक्चर जो है वो लेंदी हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो फर्स्ट फीचर है उस पर क्लैरिटी आ गई होगी कि विजुअलाइजेशन और ग्राफिक्स की जब मैं बात कर रहा था, तो 1 पॉइंट सोल्यूशन, नेक्स्ट फीचर 1 पॉइंट सोल्यूशन फॉर पॉलिटी। सो जैसे इकोनॉमी में मृणाल सर पढ़ाते थे, राइट, आई विल ट्राई कि भाई पॉलिटी का भी जो 1 पॉइंट सोल्यूशन, आई विल नॉट रिकमेंड यू कि भाई एनसीईआरटी यहाँ से पढ़ लेना, एनसीईआरटी को इस चैप्टर के लिए या फिर इस टॉपिक के लिए एनसीईआरटी के वहाँ चले जाना या ये टॉपिक डीडी बासु में अच्छा मिलेगा। सो जहाँ भी अभी देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन जो प्रीलिम में पिछले कुछ सालों में 8-10 सालों में पूछे गए तो उसके सोर्सेज क्या हैं, राइट, और उन सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन जितना से जितना एक्सट्रैक्ट करके इन स्लाइड्स में डाल सकता था आई हैव ट्राइड टू पुट। तो रेस्ट एश्योर्ड कि कंटेंट जो आपको मिलेगा, राइट, वो कंटेंट एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस के टेस्ट को क्रॉस किया है एंड ओनली व्हेन इट हैज़ क्रॉस द कंटेंट हैज़ क्रॉस द टेस्ट ऑफ 4000 प्रीलिम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, राइट, तभी वो कंटेंट इन स्लाइड्स पे आया है एंड दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि कंटेंट डेप्थ जो होगा, एक डेप्थ को यहाँ से आप हटा दीजिए, राइट, डबल डेप्थ हो गया, राइट। तो कंटेंट डेप्थ जो यहाँ आपको मिल पाएगा वो कंटेंट डेप्थ आई कैन गारंटी आई कैन एश्योर कि वो कहीं नहीं मिलेगा। देन कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड लिंकेजेस, वट इज़ दिस लिंकेजेस, सी एक्ट्स वगैरह डिस्कस करते वक्त, राइट, मैंने अपने आप को पॉलिटी के पोर्शंस तक लिमिट नहीं रखा है, जहाँ भी हिस्ट्री का इंक्लूजन हो सकता था आई हैव ट्राइड कि वो हिस्ट्री के पोर्शंस चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड हो, 1773 के एक्ट वो डिस्कस करते वक्त ही वर्ल्ड हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो लिंकेजेस जहाँ भी इकोनॉमी से कोई लिंकेजेस आ सकता था, राइट, वो इकोनॉमी से वो लिंकेजेस ड्राइव किए हैं, राइट। देन एसिमिलेशन विद करंट अफेयर्स, राइट, अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है तो सिटीजनशिप वाला चैप्टर जब हम लोग 6th चैप्टर पढ़ेंगे, राइट, पार्ट 1 में, तो आई विल मेक श्योर कि जो अमेंडमेंट हुआ है वो भी डिस्कस हो। कश्मीर स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू द स्टेट्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो आई विल मेक श्योर कि कश्मीर के स्टेटस में जो चेंज हुआ है विल डिस्कस दैट, राइट। सो जहाँ जहाँ करंट अफेयर के एसिमिलेशन की ज़रूरत है वी विल इंक्लूड दैट, राइट। सो आई होप एटलीस्ट फीचर्स पे आपको क्लैरिटी जो है वो आ गई होगी। लेटेस्ट मूव टू दीज स्लाइड्स वी ऑलरेडी हैव सीन, राइट। सो लेट अस मूव टू सी कि किस तरह के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। तो 2019 में आप देखोगे तो 100 out of 100 क्वेश्चन इन GS 13 क्वेश्चन वर फ्रॉम दिस पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड फ्रॉम पॉलिटी इन 2018 एज वेल। 2017 में देर वर अराउंड 22 क्वेश्चन, 7 in 2016,
13 इन 2015 एंड 12 इन 2014. ये डिस्कस करने का रीज़न क्या है? सिर्फ ओनली रीज़न इज कि आपको एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस डेप्थ तक हमें जाना है. अब इन क्वेश्चंस की देख लेते हैं कि ब्रेकअप ऑफ सोर्सेज कि किन किन सोर्सेज से, ये अगर 2019 में 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन 13 क्वेश्चन का सोर्स क्या है, राइट? सो इन दिस स्लाइड यू कैन, सो ये जो ब्लू में ये जो बार्स हैं, राइट, ये लक्ष्मीकांत के लिए, यहाँ आप लीजेंड्स देख लो, ब्लू वाला लक्ष्मीकांत के लिए, ऑरेंज वाले जो बार्स हैं वो एनसीईआरटी एंड डीडी बासु के लिए हैं, एंड जो ग्रे वाले हैं ये करंट अफेयर से हैं, राइट. तो 2019 का पहले देखते हैं, 2019 में देर वर 13 क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन पॉलिटी, सेवन वर फ्रॉम लक्ष्मीकांत, 4 फ्रॉम डीडी बासु एंड एनसीईआरटी, एंड 2 वर फ्रॉम करंट अफेयर. इफ आई टॉक अबाउट 2018, देन अगेन 13 क्वेश्चन हैड बीन फ्रॉम इंडियन पॉलिटी. आउट ऑफ दैट 13, 8 आर फ्रॉम लक्ष्मीकांत, 2 फ्रॉम डीडी बासु एंड एनसीईआरटी, एंड 3 इज फ्रॉम करंट अफेयर. 2017 में 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आउट ऑफ दैट 16 इज फ्रॉम लक्ष्मीकांत, 5 फ्रॉम डीडी बासु एंड एनसीईआरटी, एंड 1 इज फ्रॉम योर करंट अफेयर. तो करंट अफेयर एंड लक्ष्मीकांत की तो इंपॉर्टेंस इंडियन पॉलिटी में हम सभी लोग जानते हैं, बट द फ्यू थिंग्स दैट वी टेंड टू फॉरगेट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनसीईआरटी एंड डीडी बासु. तो 2019 में आप देखो तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ लक्ष्मीकांत एंड डीडी बासु प्लस एनसीईआरटी, 7 क्वेश्चन यहाँ से बट 4 क्वेश्चन यहाँ से, राइट. द क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज लिबर्टी, राइट. जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के आप नहीं कह सकते कि भाई मैं लिबर्टी के जो सेंस है, जो स्पिरिट है, बिकॉज एनसीईआरटी में जब आप पढ़ते हो तो एनसीईआरटी चीज़ों को कहानियों की तरह बताता है, और स्पिरिट जो है वर्ल्ड का स्पिरिट, किसी भी फेडरलिज्म अगर आपको पढ़ना है, राइट, तो लक्ष्मीकांत जो है वो नोट्स है सिर्फ, राइट, वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देता, राइट. उसको बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड वर्जन में कवर करनी पड़ी हैं, राइट. तो इसलिए एक ट्रेड ऑफ किया है लक्ष्मीकांत ने, और उसने जो स्टोरी के फॉर्मेट में जो एनसीईआरटी ने चीज़ों को, बिकॉज एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीज़ों पे गौर नहीं किया है, राइट. सो द माई पॉइंट इज कि अलॉन्ग विद लक्ष्मीकांत यू नीड टू रीड एनसीईआरटी एज वेल, बिकॉज एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंस है पिछले कुछ ईयर में काफ़ी बढ़ा है. अगर 16 क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं फ्रॉम लक्ष्मीकांत, तो देर आर 5 क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम डीडी बासु एंड एनसीईआरटी. तो डीडी बासु तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज डीडी बासु प्लस लक्ष्मीकांत विल बी वेरी बल्की. डीडी बासु के जहां जहां भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगेगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन लक्ष्मीकांत में नहीं है, आई हैव ट्राइड टू पुट अप, आई हैव ट्राइड टू इंसर्ट दैट इन आर नोट. एज फार एज एनसीईआरटी इज कंसर्नड, आई विल सजेस्ट यू कि एनसीईआरटी को तो आप लोग इग्नोर मत करना, बट हियर एज वेल एनसीईआरटी के भी जो भी इंफॉर्मेशन मैं डाल सकता था इन नोट्स में डाले गए हैं, राइट. सो यहाँ सोर्सेज के ब्रेकअप से एटलीस्ट आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा कि क्या क्या सिर्फ लक्ष्मीकांत पे सेंटर रह के अगर आपको एज लेना है, राइट, वही 3 से 4 क्वेश्चन जो है 90 के अबाउट ऑलमोस्ट सभी जो सीरियस कैंडिडेट हैं 90-95 के आसपास सभी पहुंच पाते हैं. इट्स ऑल अबाउट नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और नेक्स्ट 10 नंबर दैट वी हैव टू सिक्योर, राइट. तो वो इन्हीं गैप से आएगा, राइट. इन गैप्स को अगर आपने इग्नोर कर दिया, और ये गैप्स हर सब्जेक्ट में, ये ब्रिजेस जो है वो हर सब्जेक्ट में होता है, राइट, कि हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़ लेते हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं. तो देखिए, एक ट्रेड ऑफ तो मैं भी मानता हूँ कि ट्रेड ऑफ तो करना पड़ता है, राइट. विदाउट दैट ट्रेड ऑफ मैं ये नहीं कह सकता कि सभी चीज़ें पढ़ें. यहाँ जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि डीडी बासु आई नॉट सजेस्ट इन एनी वे कि भाई अपार्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत आप डीडी बासु भी पढ़ें, राइट. लेकिन एनसीईआरटी शुड नॉट बी इग्नोर्ड, राइट, दैट इज माई सजेशन, ठीक है. तो इन नोट्स में, जहाँ तक इन नोट्स का सवाल है, आई हैव ट्राइड कि जहाँ भी मुझे अपनी एक्सपीरियंस से डीडी बासु से जो भी लगा है इंपॉर्टेंट चीज़, वो डीडी बासु से डाला है. जहाँ भी फेडरलिज्म अगर डिस्कस कर रहा हूँ, राइट, फेडरलिज्म से कंसर्न जो चैप्टर है क्लास 10th का, राइट, चैप्टर 2, तो वो इन्फॉर्मेशन, होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर स्टेट्स, राइट, तो वो इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों में. और हर एक जब एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव का डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, वो कुछ यूनिक है एनसीईआरटी में, तो वो थोड़ा सा इसमें डाल दिया. फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स में लक्ष्मीकांत ने सब कुछ कवर नहीं किया है, राइट. कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ बेटर एग्जांपल डीडी बासु में है, तो वो डाल दिया है. तो ये मेरा पॉइंट था आपको बताने का. सोर्स का ऐसे देख लेते हैं, लक्ष्मीकांत, राइट, देन जो अदर सोर्सेज थे, एनसीईआरटी जब मैं कह रहा था, एनसीईआरटी, डीडी बासु, उसके साइड में एक अदर भी था. तो अदर क्या है, कई बार योजना वगैरह में
उससे रिलेटेड, अब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का आर्टिकल आया, तो ये वाला योजना इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इंडिया ऑन द मून आया है, मूव आया है, ये वाला जो योजना है जो उस मंथ का है, राइट, वो साइंस एंड टेक के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसी स्कीम आ रही है योजना में जो कि पॉलिटी के लिए रेलिवेंट है, तो वो भी थोड़ा सा पोर्शन बन जाता है, तो वो अदर्स का आपका पार्ट हो जाएगा। देन इंडिया ईयर बुक में कुछ चैप्टर जो पॉलिटी से रिलेटेड है, अगेन आई विल ट्राई कि भाई उसको भी मैं कवर कर दूँ, राइट, तो वो अदर्स में आपका आ जाएगा। देन करंट अफेयर में आप द हिंदू से पढ़ के आप कह सकते हो कि भाई हाँ ठीक है, प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड देन दिस मेजर बुक लक्ष्मीकांत, ये तो भाई करना ही है, राइट। सो दिस वॉज अबाउट सोर्सेज। सो जब मैं कह रहा था कि कंटेंट का डेप्थ बहुत ज़्यादा होगा, सो व्हाट डिड आई मीन, राइट। सो आपके चार शुरू के चैप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी रेडी है, इट्स जस्ट दैट आई हैव टू रोल इट आउट पीरियोडिकली, राइट। तो चैप्टर वन को कवर करते वक्त मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रेन किया कि बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ, डिस्पाइट दैट ये लेक्चर जो है चैप्टर वन जो है जो कि एक्ट्स को कवर करता है, राइट, वो two hours 12 minutes का वो लेक्चर बना है, राइट। और जो यूट्यूब पे जो वीडियो, जो ब्रांड्स के वीडियोज़ पड़े हैं, आई हैव सीन कि 1 hour में उन्होंने ख़त्म कर दिया है, राइट। तो 1 hour में उन्होंने कैसे ख़त्म किया होगा ये आपको भी पता है कि वो डिटेल में नहीं गए होंगे, राइट। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बहुत अगेन रिस्ट्रेन किया, बट इट टुक मी 58 minutes, राइट। सेलियंट फीचर इट हैज़ गॉन टू 1 hour 37 minutes, प्रीएम्बल अलोन 1 hour 47 minutes, राइट। जबकि प्रीएम्बल में जो नॉर्मल वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, राइट, आई हैव सीन कि कुछ लोगों ने 30-30 मिनट में प्रीएम्बल को खत्म कर दिया है, राइट। सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि भाई ये जो कोर्सेज हैं या कोर्स के जो लेक्चर आने वाले हैं, ये बहुत डिटेल और बहुत डेप्थ में गए हैं, राइट। सो व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, अगर मैं इतने डिटेल में जा रहा हूं, राइट, अगर इतना टाइम लगा रहा हूं, अगर इतना लेबर लग रहा है कुछ लोगों का, राइट, तो वो किस लिए लग रहा है, राइट। सो व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन, राइट। कोई कमर्शियल मोटिवेशन, आई ऑलरेडी हैव डिक्लेयर कि आई डोंट होल्ड एनी काइंड ऑफ कमर्शियल मोटिवेशन फ्रॉम दिस कोर्स फ्रॉम योर साइड, राइट। सो व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन, सो माय एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट यू गिव मी रेगुलर फीडबैक, बिकॉज मैं कोई ट्रेडिशनल फॉर्मल टीचर नहीं हूँ, राइट, फॉर्मल फैकल्टी नहीं हूँ, आई एम लाइक यू ओनली, राइट, आई एम वन ऑफ द को एस्पिरेंट। सो मुझे नहीं पता कि टीचिंग मेथडोलॉजी जो मैं ऑप्ट कर रहा हूँ, इट्स जस्ट दैट ये टेक्नोलॉजी जो हाथ में देख रहे हैं, यहाँ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं बैठ के प्रिपरेशन करता हूँ, राइट, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाता है, राइट, 6th to 12th को एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ाते हैं, राइट, तो उनके पास ये इंटरैक्टिव बोर्ड वगैरह था, तो उन्होंने एक्सेस दे दिया, तो आई हैव बीन एबल टू प्रिपेयर। सो आई एम नॉट अ फॉर्मल टीचर, राइट, यू नीड टू गिव मी फीडबैक, राइट, पीयर रिव्यूज़, राइट, ऑल्दो आई विल ट्राई कि आपके कमेंट्स का जो भी रिप्लाई, जो भी क्वेश्चन आप करते हो, उन कमेंट्स का रिप्लाई मैं करता रहूँ, बट अगेन इट मे नॉट बी ह्यूमनली पॉसिबल कि भाई मैं कंटेंट पे भी ध्यान दूँ, कंटेंट प्रिपरेशन, देन वीडियो शूटिंग, एंड देन उन कमेंट्स का भी रिप्लाई करो। तो जब भी आपको टाइम मिलता है, राइट, जब वीडियो आप देख रहे हो, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में चले जाओ, और जो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि उन्होंने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब आपके पास है, तो ट्राई टू रिप्लाई टू दैट, राइट। देयर आफ्टर सब्सक्रिप्शन एंड लाइक्स, राइट, आप अगर चाहते हैं कि जो भी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, राइट, वो वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, राइट, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज सब्सक्रिप्शन एंड लाइक्स आर द ओनली वे By which I can come to know कि भाई आप लोग courses को जो है वो like कर रहे हो, right? तो subscription, likes and comments आप लोग करते रहिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि किस area में improvement की ज़रूरत है, या फिर मैं ठीक ठाक track पे चल रहा हूँ। So although इसको मैं थोड़ा सा और इसको लंबा खींच सकता था, आपको breakup बता सकता था, already slides prepared है, right? लेकिन मैं इसको लंबा, इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, राइट, स्ट्रेटजी वगैरह कैसे हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि किस चैप्टर पे कितने दिन देने हैं, राइट, day 4, day 5, day 6 पे कौन सा पार्ट कवर करना है, day 8, day 9, बट अभी ये ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी लेक्चर बहुत लंबा खिंच गया है, राइट, दीज इन्फॉर्मेशन वी कैन डिस्कस सम डे लेटर, राइट। तो अभी के लिए आई विल से गुड बाय टू यू विद द होप कि भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जुड़े। विद इन नेक्स्ट 4 to 5 days आई विल रोल आउट फर्स्ट वीडियो, राइट, और बाकी के वीडियोज़ भी जो हैं, राइट, एवरी 3rd और 4th day यू कैन एक्सपेक्ट
फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है बिकॉज फर्स्ट पार्ट में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये जो चीज़ें हैं ये थोड़े से लंबे लेक्चर्स, ऑल दो 4 लेक्चर्स आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड राइट, तो उसे तो कभी भी मैं रोल आउट कर सकता हूँ, बट एक 3 से 4 दिन के गैप पे सबको रिलीज करता रहूँगा। सो टिल देन आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ठीक है, और मैं फर्स्ट वीडियो लेके इन नेक्स्ट 3 और 4 डेज आई विल अपीयर। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू।